मन करता है ना जिसने पेपर लीक किया उसका गूदा निकाल के उसको जमीन में गाड़ दे। ये 2.5 लाख का चूना लगाते हैं 12,000 रुपया देकर आपको, ये कीमत आप चुकाते हो साथियों? अबे तुम होते कौन हो राम को भारत में धरती पे लाने वाले? ये बहुजन समाज तुम्हारी औकात दिखा देगा इस पर। आपकी जिंदगी के 12 से 15 साल उन्होंने खर्चा उठाकर आपको पढ़ाया लिखाया। आपको नहीं लगता कि यार मैं भी कमाऊंगा, मैं भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाऊंगा, उनके लिए भी मैं सहारा बनूंगा? बताइए साथियों, करता है ना दिल? पक्का? तो जब आप लोग सरकारी नौकरियों के लिए पेपर देते हो और वो पेपर लीक हो जाता है तो कैसा महसूस होता? मन करता है ना, मन करता है ना जिसने पेपर लीक किया उसका गूदा निकाल के उसको जमीन में गाड़ दे। आता है ना गुस्सा? तो मैं अपने सभी युवा साथियों से दरखास्त करूंगा कि इस आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किसी का गूदा तो निकाल के किसी को जमीन में तो नहीं गाड़ सकते, पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ताकत दी है अपने वोट देने की, वोट डालने की, उस वोट को एक एक बंदूक की गोली की तरह इनकी छाती में डाल देना। ये 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देकर एक अफीम चटाने का काम कर रहे हैं। परंतु मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं, ये 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में राशन देते हैं इसकी आपको क्या कीमत चुकानी पड़ती है आप जानते हैं? आप पता है किस तरह कीमत चुकाते हैं? ये आपको महीने का कितने का राशन दे देते होंगे? 500 रुपया महीना, 150 रुपया? मैं कहता हूं ये बहुत ज्यादा ईमानदार हैं तो ये 1,000 रुपए का चूना लगाते होंगे आपको। ठीक, ये महीने का आपको 1,000 रुपए का राशन देने का काम करते हैं। साल में कितना हुआ? 12,000। 12,000 अगर आपकी क्लास 4 की अगर नौकरी लगती तो आप महीने का कम से कम कितना कमाते? कम से कम 20,000 से 30,000 रुपया कमाते ना? सही भाई साहब, अगर आप महीने का 20,000 कमाते तो साल का 2.5 लाख रुपया कमाते, कम से कम 2.5 लाख रुपया। ये 2.5 लाख का चूना लगाते हैं 12,000 रुपया देकर आपको, ये कीमत आप चुकाते हो साथियों, ये कीमत चुकाते हो आप। ये लोग राम मंदिर का मुद्दा बनाते हैं, हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं। साथियों, अगर हम मुस्लिम और हिंदुओं के बारे में सवाल जवाब करेंगे तो इलेक्शन कमीशन हमें बंद कर देगा, परंतु जब ये मन से हिंदू मुसलमान के लिए भड़काऊ भाषण देते हैं तो इलेक्शन कमीशन जैसे आंखों पे पट्टी बांध कर खड़ा हो। कोई बात नहीं, वोट पड़ने दीजिए, ये बहुजन समाज तुम्हारी औकात दिखा देगा इस पर। ये राम मंदिर का क्रेडिट लेते हैं साथियों, राम मंदिर इन्होंने नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया राम मंदिर का, बीजेपी ने नहीं, उसके पैसे भी भारत की जनता ने दिए, बीजेपी ने नहीं। इनसे सवाल करिए कि तुम किस बात का राम मंदिर का क्रेडिट मांगते हो? ये इतने घमंडी हैं, ये बोलते हैं हम लेके आए राम लल्ला को अयोध्या। अबे तुम होते कौन हो राम को भारत में धरती पे लाने वाले? वो भगवान है, भगवान। तुम इंसान हो, अपनी औकात मत भूलना।